कल ही 50,000 नौकरियां हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दी। क्यों करी? 10 लाख 15 लाख नौकरी के लिए रिश्वत लेते थे। माताओं बहनों, आपके पास आपके भाई बेटों को नौकरी दिलाने के लिए 15 लाख रुपया है क्या? है क्या? नहीं है तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी? उनके एक मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश निकली, 51 करोड़ रुपया। पार्थ चटर्जी आज जेल में बैठे, मगर ममता जी अभी भी उसको सस्पेंड नहीं करती है। मैं पूछने आया हूं, एक कट मनी, एक खंडनी, ये नौकरियों में भ्रष्टाचार बंगाल में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? क्या ममता दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं।